अब रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने 3 सर्विसेज लॉन्च की है जिनके बाद आपका सफर और आसान हो जाएगा। नई सेवा से टीटी की मनमानी पर लगाम लगेगी और सिस्टम भी पारदर्शी होगा। रेल यात्रियों की अक्सर टीटी के घपलेबाजी और पेट्रोल को लेकर शिकायत रहती है। इसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने कुछ नई सर्विस लॉन्च की है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्रियों के लिए 3 सेवाएं लॉन्च की हैं। उत्तर रेलवे के लिए हैंडहेल्ड टर्मिनल्स की शुरुआत की है, जिससे टीटीई के लिए टिकट चेक करना ज्यादा आसान होगा। इसके बाद टीटीई को रिजर्वेशन चार्ट लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे सिस्टम पारदर्शी बनेगा और धांधली नहीं हो सकेगी। का हैंडहेल्ड टर्मिनल है, उसी के ऊपर उसके पास ऑलरेडी पूरा चार्ट अवेलेबल है, जिसमें लोगों की डिटेल्स है पैसेंजर्स की। उन पैसेंजर डिटेल्स को वो अपडेट करेगा, उनको कंफर्म करेगा। ये सारी डिटेल्स भी ऑनलाइन है, दे विल पास ऑन टू द मेन सर्वर, वहाँ भी चली जाएंगी। अगर लोग नॉट टर्न अप होते हैं, अवेलेबिलिटी जो बाद में बताता है 6 बर्थ्स और 6 सीट्स आर अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अगले स्टेशनों पर पहुँचती है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोगों का जो टिकट वेटिंग लिस्ट है वो कन्फर्म भी हो जाएगा। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए ई बेडरोल सर्विस शुरू की गई है। यात्री 140 रुपए देकर 2 बेडशीट, 1 तकिया और 110 रुपए देकर 1 कंबल ले सकेंगे या 250 रुपए में दोनों ले सकेंगे। ये सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जिनके ई टिकट कंफर्म होंगे। कुछ स्टेशन पर IRCTC के सिलेक्ट आउटलेट से भी बेडरोल लिए जा सकेंगे। इसको बुक करने के लिए आपको इंटरनेट पे प्रीपेड मॉडल में बुकिंग पे अवेलेबल है। अभी ये मद्रास और त्रिवेंद्रम मॉडल में परसों मंत्री जी ने लॉन्च किया था, आज ये नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन पर लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो कंबल है वो 110 रुपए का रखा है, ये वैक्यूम पैक्ड है, छोटा सा है और पोर्टेबल है। पेपरलेस जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भी लॉन्च की गई है। ये सेवा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। इससे यात्री मोबाइल से टिकट खरीद सकेंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन तीनों सेवाओं से यात्रियों की यात्रा ज्यादा आरामदायक होगी और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली।